हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना का ई संबल कार्ड कैसे डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, ये संबल 2.0 का ऑफिशियल पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम ई संबल कार्ड को डाउनलोड करेंगे। यदि आप मोबाइल से संबल कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। इसके बाद आप 3 लाइन पे क्लिक करके आप सभी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल श्रम विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा राज्य के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 के अंतर्गत अंत्येष्टि सहायता के लिए 5,000 रुपए, सामान्य मृत्यु सहायता के लिए 2 लाख रुपए, दुर्घटना मृत्यु सहायता के लिए 4 लाख रुपए, आंशिक दिव्यांगता सहायता के लिए 1 लाख रुपए एवं स्थायी दिव्यांगता सहायता योजना के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। संबल योजना में महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता के रूप में 16,000 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा आप अन्य लाभ यहाँ पर देख सकते हैं। संबल योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो वीडियो देख करके आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी। आवेदन करने के बाद हमें ई पंजीयन कार्ड को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें आवेदन की स्थिति ट्रैक करना है। आवेदन की स्थिति देखने के लिए आवेदन की स्थिति पे क्लिक करें। इसके बाद संबल आवेदन की स्थिति पे क्लिक करें। आवेदन की स्थिति, अब यहाँ पर आपको समग्र आईडी एंटर करना है जो कि समग्र सदस्य आईडी 9 डिजिट की एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है जो आपको आवेदन करते वक्त प्राप्त हुई है। दोनों डिटेल्स फिल करने के बाद सर्च पे क्लिक करें। सर्च पे क्लिक करने के बाद यदि इस तरीके से शो हो रहा है एप्लीकेशन सबमिटेड असाइन फॉर इंक्वायरी ऑफिसर, यानी कि आपका आवेदन इंक्वायरी ऑफिसर को सेंड कर दिया गया है। अभी आपका आवेदन पेंडिंग है। आपके आवेदन फॉर्म पर इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करना है, इसके बाद अप्रूव करना है। यदि आप संबंधित ऑफिसर से संपर्क करना चाहते हैं कि अभी तक हमारे फॉर्म को क्यों अप्रूव नहीं किया गया है तो आप अपने जोन कार्यालय या फिर ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपका फॉर्म अप्रूव हो चुका है तो इस तरीके से सभी में राइट टिक शो होगा। अप्रूव होने के बाद प्रिंट पे क्लिक करके आप अपना ई संबल कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। यदि आपको आवेदन संख्या यानी कि एप्लीकेशन आईडी भूल गई है तो आप सिर्फ समग्र सदस्य आईडी के द्वारा स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आप हितग्राही विवरण पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर 9 अंकों की संबल आईडी या फिर समग्र सदस्य आईडी एंटर करें। यहाँ पर आपको सिर्फ 9 अंक की समग्र सदस्य आईडी ही एंटर करना है। आईडी नंबर एंटर करने के बाद विवरण देखे पे क्लिक करें। यदि आपको समग्र सदस्य आईडी एंटर करने के बाद इस तरीके से शो हो रहा है आपके द्वारा चुने हुए सदस्य का संबल हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है तो आपको दोबारा से आवेदन करना है। विवरण देखने पे क्लिक करने के बाद यदि इस तरीके से शो हो रहा है श्रमिक का संबल कार्ड नहीं बना है, इसके बाद यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हैं, जांच अधिकारी के पास लंबित है और यहाँ पर आपके इंक्वायरी ऑफिसर का नाम है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका अभी तक श्रमिक पंजीयन कार्ड क्यों नहीं बना है, आप अपने जोन कार्यालय या फिर जनपद पंचायत पर संपर्क कर सकते हैं। विवरण देखने पे क्लिक करने के बाद यदि इस तरीके से शो हो रहा है श्रमिक का संबल कार्ड नहीं बना है तो आप यहां पर स्टेटस देख सकते हैं, श्रमिक पंजीकरण रद्द कर दिया गया है क्योंकि श्रमिक अन्य योजना के तहत पंजीकृत है। इस तरीके से आप यहां पर स्टेटस देख सकते हैं। और यदि आपका श्रमिक पंजीयन कार्ड यानी कि संबल कार्ड बन गया है तो इस तरीके से शो होगा पात्र हैं। और यहां पर भी स्टेटस में शो होगा संबल कार्ड बन चुका है और यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स शो हो रही है। और यहाँ पर यदि रॉन्ग डिटेल्स शो हो रही है तो आप अपनी करेक्ट सदस्य आईडी एंटर करें। संबल कार्ड प्रिंट करने के लिए संबल कार्ड प्रिंट करें पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका ई संबल कार्ड ओपन हो जाएगा। अब आप इसे डाउनलोड या प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह आपका ई संबल कार्ड सेम फिजिकल कार्ड के जैसे ही वर्क करता है। इसे आप अपने पास प्रिंट करा के रख लें और संबल योजना के तहत सभी योजनाओं का लाभ लें। यदि आपने अभी तक जन कल्याण संबल योजना के तहत आवेदन नहीं किया है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं, किंतु अभी आचार संहिता के कारण नवीन पंजीयन पर रोक लगी है। अब आचार संहिता को हटा दिया गया है। कुछ समय बाद ऑनलाइन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आवेदन होना स्टार्ट होंगे हम आपको न्यू वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।